पंचमहल के थाना क्षेत्र चंदोसी में किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस। बाइक रैली निकालकर पहुंचे तहसील चंदोसी तहसील के मेन गेट पर दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने राष्ट्रपति के नाम चंदोसी SDM को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने कहा सरकार ने मजबूर होकर 3 काले कानून को वापस लिया और किसानों से 11 सूत्रीय मांगों को माना। तब दिल्ली से किसान आंदोलन खत्म हुआ था, मगर सरकार ने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए। किसानों पर लगे हुए मुकदमे अभी वापस नहीं लिए गए। MSP ना मिलने पर किसान आज भी लूट रहा है। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनके परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। आज हम विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार ने अगर जल्द हमसे जो वादे किए हैं, अगर वे वादे पूरे नहीं किए तो फिर से हम दिल्ली सीमा पर आंदोलन करेंगे। मेरा बिजेंद्र सिंह यादव नाम है, प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसान टिकट का। ऐसा है 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल 15 दिन हमारा आंदोलन हुआ, जिसमें हमारे कम से कम 706 किसान शहीद भी हुए। चुनाव के दौरान आके या किसानों के आंदोलन दबाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 जो किसान विरोधी कानून थे, जो हम कहते थे ये काले कानून हैं, उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद किसानों से अपील की घर जाएं, लेकिन हम लोगों की एक ही बात थी कि भाई हम एक मांग लेके नहीं आए थे, एक मांग हमारी मानेंगे, इसका स्वागत है। धीरे धीरे सभी मांगों पर वार्ता हुई, सरकार से लिखित में समझौता हुआ और सरकार ने लिखित में ये कहा कि भाई हम तुम्हारी ये मांगें मानेंगे। उसके बाद उसमें से 3-4 मांगों पर सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिए। जैसे हमारी MSP की बात थी, लाखों करोड़ रुपया MSP ना मिलने पे किसानों का लुट जाता है। धान की MSP 1940 रुपये और बाज़ार में 1300 रुपये। तो इन बातों को लेकर सरकार से 5 नाम मांगे हमारे मोर्चा से। सरकार ने ये सोचा कि संयुक्त मोर्चा में 40 लोग हैं, ये अगर 5 नाम लेंगे तो उनमें फूट पड़ेगी, लेकिन हमारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 5 नाम दे दिए गए। लेकिन सरकार ने अभी तक ना कमेटी बनाई, ना जो हमारे मुकदमे उनकी वापसी प्रक्रिया शुरू करी, नहीं और मामले लंबित हैं जो हमारे शहीद किसान हैं उनके मुआवजे से संबंधित बात ही, ना उसकी प्रक्रिया शुरू करी। सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, विश्वासघात किया है। आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर विश्वासघात दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमने अपने यहाँ इलेक्शन होने की वजह से जिस फेस में इलेक्शन है उनको तहसील पर परिवर्तित कर लिया। आज हम उप जिलाधिकारी चंदोसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि तुमने विश्वासघात रख दिया। एक तरफ हमारी पूरी सरकार चुनाव में लग रही है, हमारे देश के गृहमंत्री पर्चा बांट रहे हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री गली गली जा रहे हैं, हमारे उपमुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तमाम खर्च कर रहे हैं। एक तरफ किसानों के साथ धोखाधड़ी, तो इन धोखेबाज सरकार के लिए ये बताने के लिए हमारा आंदोलन है कि भाई ये प्रजातांत्रिक देश है, ये धोखेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी।